गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप जैसा देख सकते हैं, मैं रेडी हो चुका हूँ और हॉस्टल से बस बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं हो चुका हूँ लेट। 9:30 हो चुका है और मुझे 9 बजे निकलना था। मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं आपको रास्ते में बताऊंगा। और ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ग्वालियर से 100 किलोमीटर दूर एक जगह पर, जो कि यूपी में। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। हम लोग परीक्षा डैम पहुंच चुके हैं और ये देखिए रास्ता कितना भयानक लग रहा है। अंदर देखते हैं कि कैसा क्या लोग मिलते हैं, नहीं बहुत मिलते ही ज्यादा हैं। डर लग रहा है इस टाइम और पर। सामने कुछ लोग देख तो रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कोई भी गाड़ी पीछे नहीं है, आगे भी एक ही दो लोग हैं। तो अभी आगे चल के देखते हैं कि परीक्षा डैम कहाँ पर है। शायद ये है, आ गया है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ बन रहा है शायद, और यहाँ पर पूछते हैं कि परीक्षा डैम कहाँ पर है। भैया वो परीक्षा डैम किधर है? सीधे चले जाओ, बहुत अच्छी बात सीधे सीधे जाना है, कह रहे हैं सीधे चले जाओ, चलते हैं सीधे। ये आ गया परीक्षा डैम। दोस्तों मैं डैम के अंदर आ चुका हूं, आपको एक बार बैक कैमरे से दिखा देता हूं। आपको पीछे देख सकते हैं, यहां पर वो आपको डैम दिख जाएगा। और यहां पर भी बहुत शांति है, कुछ लोग ही दिख रहे हैं। हो सकता है कोरोना की वजह से यहां लोग ना हो। तो अभी मैं आपको ये दिखा देता हूं, ये कौन सी रिवर है। मैं रिवर पता करके अभी आपको बताता हूँ। तो ये जो डैम आप देख रहे हैं, ये बेतवा नदी पर बना हुआ है। और मैं अभी बैक जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ जाना है डैम पर, और लाइट यहाँ से आ रही है, इसलिए मैं बैक से आपको दिखा रहा हूँ। और ये नदी जो है वो ओरछा तक जाती है। ये जो ओरछा में आपने नदी देखी होगी, बेतवा रिवर, वो यही रिवर है जिस पर यहाँ परीक्षा डैम बना हुआ है। दोस्तों ये डैम वैसे तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ना ही इतना बड़ा है, पर यहाँ की एक अच्छी बात ये लगी कि जितने भी डैम हैं वो टूरिस्टिक प्लेस नहीं बनाए गए हैं। और ये जो डैम है वहाँ पर आपको टूरिस्टिक प्लेस जैसी फीलिंग आपको आ जाती है। तो यहाँ पर नीचे अभी देख बंद है, सकते हैं कोरोना कि के कारण नीचे अभी नीचे बंद भी है, बिल्कुल और पास नीचे भी जाके जा सकते हैं। जो आप देख रहे हैं नीचे, बिल्कुल पास से जाकर आप डैम को पानी को हाथ देख से छू सकते सकते हैं, हैं, पानी पानी को को छू सकते हाथ से छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो यही सब है यहाँ। अब हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग अब बाहर जा रहे यहाँ हैं बैठने थोड़ी की बहुत बढ़िया व्यवस्था बना फोटो सकते खींचने के बाद। और यहाँ पर आप पार्क बना हुआ है, साइड में मैं दिखा देता हूँ, पीछे पार्क बना हुआ है, वहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं, थोड़ी देर टाइम पास कर सकते हैं। और यहाँ पर है रिवर और यहाँ पर नहर। तो चलिए आप चलते हैं यहाँ से। यार दोस्तों अभी ऐसे ही वीडियो बनाने का मन हो रहा है, तो ऐसे ही फालतू में स्टार्ट कर ली, क्योंकि वीडियो तो अपलोड हो जाएगा लेकिन ये जो है मेमोरी रहेगी राघवेंद्र सर के पास। ये हमारे सर हैं, और पंडित जी के साथ हम लोग यहाँ पर आए थे, और सामने से गाड़ी आ रही है अब तो इसके मुझे बाद बंद कहाँ करना जाएंगे? पड़ेगा।
इसके बाद हो सकता है हम लोग सोना गिर जाएं, अगर खुला मिला, नहीं तो सोना के टेम्पल जाएंगे अगर खुला मिला तो नहीं तो सूर्य मंदिर जैसा दिखा देंगे। हाँ नहीं तो फिर आपको सूर्य मंदिर जैसा आपने देखा था वैसा दिखा देंगे। तो गाइस अभी सीन ये है कि हम लोग जा रहे थे और आप हाईवे देख सकते हैं, हम लोगों का बाइक का जो पेट्रोल है वो खत्म हो गया था, तो भाई जो था जो जिसकी बाइक थी वो अभी पैदल गया है आगे पेट्रोल डलवाने और मैं भी पैदल जा रहा हूँ। तो चलिए अभी जब पेट्रोल डल जाएगा फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो आज पता नहीं गाइस क्या क्या हो रहा है, पहले बाइक ख़राब हो गई फिर पेट्रोल ख़त्म हो गया, जबकि पेट्रोल इंडिकेटर में बता रहा था कि है अभी, फिर हो सकता है बाइक में कुछ कमी आ गई हो। तो अभी पेट्रोल डलाने गया है, वो वापस आएगा मुझे लेने के लिए, तब हम लोग निकलेंगे डबरा के लिए। तो मुझे लगता है आज के लिए ये वीडियो काफ़ी हो गई है, और जो मैंने आपको डैम दिखाया वो झांसी से कानपुर हाईवे पर है और कुछ 20 किलोमीटर होगा झांसी से, जो बताना मैं भूल गया था। तो चलिए अभी मैं जा रहा हूँ पैदल जितनी दूर तक जा सकता हूँ, और मुझे लगता है अब इस वीडियो को ख़त्म करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।